देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। शासकीय जमीन पर और बिना अनुमति के कॉलोनी बनाकर चल पूर्वक धोखाधड़ी करने के मामले में प्रशासनिक अधिकारियों के शिकायत के बाद पुलिस ने जमीन की जादूगर जाफर उसके अन्य साथियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। वहीं आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दरअसल मामला चंदन नगर थाना क्षेत्र के सिरपो तालाब पर शासकीय जमीन पर कब्जा कर कॉलोनी बनाने के जमीन के जादूगर भू माफिया जाफर खान, लियाकत खान और जुनैद खान के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। आरोपी द्वारा बिना अनुमति और शासकीय जमीन पर कब्जा का फर्जी दस्तावेज तैयार कर कॉलोनी काटकर ठगी करने वाले भू माफियाओं की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आरोपी पर पूर्व में भी कई धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज है। भू माफिया जाफर द्वारा कई शासकीय भूमि पर कब्जा कर फर्जी कॉलोनी बनाने की शिकायतें कलेक्टर में दर्ज हुई थी। थाना चंदन नगर क्षेत्र के भू माफिया जाफर निवासी सिरपुर के विरुद्ध दो प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं। पटवारी पवन शर्मा द्वारा पत्र पेश करने पर, जिसमें जफर द्वारा सिरपुर क्षेत्र की जमीनों पर, शासकीय जमीन पर प्राइवेट नोटिस कराने के संबंध में एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और एक प्रकरण बिना डायवर्सन के कॉलोनी काटने के संबंध में दर्ज हुआ है, जिसमें जफर के साथ दो अन्य लोगों के नाम भी हैं। सर कितनी जमीन थी कि सर के मतलब कहाँ पे थी जमीन है? ये सिरपुर क्षेत्र में 1000 स्क्वायर फीट के प्लाट के संबंध में है और बाकी अन्य विवेचना के दौरान आएगा। बस एवं ये जो लक्ष्मीनगर कांकड़ क्षेत्र में जो अवैध कॉलोनी काट रहे हैं उस संबंध में। सर ये टोटल कितने आरोपी दोनों एफआईआर में? दोनों एफआईआर में एक पे तीन है, एक में अभी एक ही है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। आई प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।